वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। हम लोग इस फिगर का एरिया फाइंड करेंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कहा गया है कि दिए गए फिगर में हर एक ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस फिगर का पेरीमीटर 12 है, तो इस फिगर का एरिया क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि पेरीमीटर किसे कहते हैं। पेरीमीटर होता है द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ एनी फिगर, यानी किसी भी फिगर का जो आउटर बाउंड्री होगा उसका सम जो हो जाएगा वही पेरीमीटर कहलाएगा। मतलब ये है कि इस फिगर का पेरीमीटर क्या होगा। ये जो आउटर बाउंड्री आपको दिख रहा है, ठीक है, यही इस फिगर का पेरीमीटर होगा। ठीक है, तो आप देखिए, सबसे पहले हम लोग इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है कि सब साइड इक्वल होता है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया। अब ये जो साइड है इसके इक्वल है और यही साइड इस ट्रायंगल में भी है, तो इस ट्रायंगल का भी सारा साइड यानी इसके इक्वल होगा, ये और ये सभी इक्वल होगा। इसका मतलब है इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का सब साइड एक दूसरे के इक्वल है। उसी तरह ये इक्वल है तो ये भी सब इक्वल हो गया, यानी जितना भी ट्रायंगल है सबका साइड एक समान है, एक बराबर है। यानी अगर हम इसको एक्स मानते हैं तो सभी साइड एक्स हो जाएगा, तो ये भी एक्स हो जाएगा। यानी टोटल कितना साइड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी 12 एक्स हो गया। पेरीमीटर इक्वल हो जाएगा 12 एक्स, ठीक है, और इस फिगर का पेरीमीटर दिया हुआ है 12, तो 12 एक्स इक्वल हो जाएगा 12 बाई 12 इक्वल्स 1, यानी हर एक ट्रायंगल का साइड हो जाएगा 1। ठीक है, अब एरिया फाइंड करना, एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे तो उसी से हम लोग सभी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ वन ट्रायंगल इक्वल कितना होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, तो √3/4 साइड स्क्वायर मतलब √3/4 और साइड कितना है, 1 है सभी ट्रायंगल का, तो 1 का स्क्वायर मतलब हो गया √3/4 × 1 = √3/4। ठीक है, तो एक ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा √3/4। तो इस पूरे फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ द फिगर इक्वल्स √3/4 × 12 इक्वल्स √3। तो इस पूरे फिगर का एरिया हो जाएगा √3। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।